गाड़ी चलाते वक्त रोड पे शीशे पे क्रैक पड़ना या हेयरलाइन पड़ना नॉर्मल है, बट क्या होगा अगर इस चीज को किसी तरह से हम सही कर सकें। आज इसीलिए हम लेके आए हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजन पे पॉपुलर प्रोडक्ट, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वर्क करता है, बहुत अच्छा होता है, ये है वो है। आज हम ये ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना ये यूजफुल है। आज मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारी गाड़ी में क्रैक है वो कहाँ पे पड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर ये कैमरे में जस्टिफाई हो रहा होगा, तो यहाँ पे हमारी गाड़ी में एक अच्छा सा क्रैक टाइप का पड़ा हुआ है। ये बेसिकली रोड पे गाड़ी चलाते वक्त पत्थर लग के हुआ था और ये बढ़ नहीं रहा है, बट ये बढ़ सकता है चाहे इधर को चाहे इधर को कहीं को भी। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम ये लेके आए हैं, देखते हैं कितना यूजफुल है और ट्राई करते हैं, क्या पता काम कर जाए। ठीक, आते रहो। इसमें यहाँ पे लिखा भी है ऑटो विंडशील्ड पे बिफोर आफ्टर, और बिफोर वाला मेरा एग्जैक्ट सेम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और थोड़ा सा क्लोजअप ले लेंगे एक बार, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टू सेम है, इसका थोड़ा बड़ा है, हमारा थोड़ा छोटा है। देखते हैं ये सही होता है या गायब होता है या नहीं होता है, या कितना बेटर होता है जैसे ये अभी है। बहुत लोगों ने इसके लिए रिव्यू किया था कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये है वो है, देखते हैं। और इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है, ये मिल जाती है एक वो सक्शन कप के साथ, ये एक मेरे समझ से ये यहाँ पे लगेगा। और उसके अलावा इसमें मिल जाता है ये लिक्विड, और एक ये मिल जाता है पुशर। ये इसके अलावा 3 से 4 ये पॉलीथीन मिल जाती है, मुझे नहीं पता किस लिए यूज़ करना है। तो पहले एक बार इसको खोल लेते हैं, अब देखते हैं ए बी सी डी। अरे बाप रे बाप, एक और है तो इसको भी यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको कपड़े से इसको साफ़ करना है, तो हम सबसे पहले इसको करेंगे कपड़े से साफ़। हम इसको कर लेंगे कपड़े से साफ़ पूरे एरिया को, और साफ़ इसलिए कराते हैं ताकि धूल वूल जो है वो उसके साथ ही ना चिपके। और ये हमने कर दिया साफ़। अब चलेंगे बी पे, बी पे इसने क्या लिखा है, ये क्या है पिन। अब इसमें पिन तो है नहीं मेरे पास, अब ये पता नहीं कहाँ से पिन लेके आए ये लोग, पिन से थोड़ा वो कर लेंगे। मैं इससे कर लेता हूँ क्योंकि ये भी यहाँ पर शार्प है, तो एक बार इसमें हल्का सा ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलेंगे थर्ड स्टेप पे, जो कि है हमें ये लगाना, और ये है हमारे हाथ में सक्शन पंप के साथ सारा है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी होल के पास लगाना है हमें। इसको मैंने दबा दिया, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा और इसको सही से लगाना पड़ेगा। ये हमने लगा दिया यहाँ पे, और ये बिल्कुल हमारे बीच में है। अब एक बार फिर से इस पर चलेंगे तीसरे नंबर पर, यहाँ पर इसमें बोला है ये लगाने को, तो ठीक है इसको लगा देंगे हम। और ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल होल पे चला गया है यहाँ से। और अब चलेंगे हम, ये तो वही चीज़ बोल रहा है अलग अलग लैंग्वेज में। क्लीन अप हो गया, इंस्टॉलेशन बैक ब्रैकेट हो गया, प्रेशर ऑस्मोस हो गया। अब हमको इसमें प्रेशर ऑस्मोस डालना है बेसिकली ये, और इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे एंड इसको यहाँ से ऐसे खोल लेते हैं। यार मुझे नहीं पता, ये पता नहीं फेविक्विक टाइप का तो नहीं लग रहा है, चिप चिप नहीं है ये, और देखते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे, अब इसके अंदर ये प्रेशर डालेंगे हम, देखते हैं क्या होता है। देखो पता नहीं काम का है भी कि ऐसे ही फर्जी है। और ये बहुत इसकी जो महक है, आप जब जैसे कर्व्ड ग्लास वाले जो फ़ोन्स होते हैं उस पर जब आप स्क्रीन गार्ड लगवाते हो, यूवी स्क्रीन गार्ड जो आता है, यूवी टेम्पर्ड, वही वाली महक है इसमें ऑलमोस्ट, मोस्ट प्रोबेबली वही मटेरियल होगा, क्योंकि इसमें ये लोग ये सारी चीज़ें भी दिए हैं, लेकिन यूवी लाइट तो यहाँ दी नहीं है पता नहीं। और एक बार ट्राई कर लेते हैं, हाँ ठीक है ये अंदर से आ गया है बाहर को, क्योंकि यह गिरने लगा है, दिख रहा है कि हाँ अंदर से यहाँ पर आ गया है। अब इसको कर देते हैं यहाँ पर बंद। 3-4 डार्क सोल्यूशन ऑन द सिलेंडर, इफ देर इज अ लिक्विड लीकिंग बॉटम सिलिका जेल हेड, प्लीज एडजस्ट द पोजीशन ऑफ सिलेंडर अगेन। इतना सारा मैं पढ़ रहा हूँ, बेसिकली ये बोल रहा है कि, सिंपल शब्दों में बता दूँ, ये बोल रहा है कि ये जो जेल बाहर आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए था, बट अभी हमारा ये जेल बाहर आ गया है, तो एक बार फिर से इसको एडजस्ट करके हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है अभी क्या करना है, क्योरिंग, अब ड्रॉप ए रिपेयर सोल्यूशन क्योरिंग फिल्म
एंड कवर द डैमेज एरिया। अब हमारा ये काम हो गया है, अब हम इसको करेंगे उठा देंगे, ठीक है। एक बार क्योरिंग फिल्म के ऊपर भी हम थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, आप देख सकते हो ये मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब हम इसको दोबारा से क्योरिंग फिल्म को यहाँ पे लगाएंगे, कुछ फ़र्क दिख नहीं रहा है दोस्तों, बाकी पता नहीं ऊपर वाला ही जाने कितना यूज़फुल है कितना नहीं, मुझे नहीं पता, और या मैं सही से ये कर नहीं पा रहा हूँ, दैट कुड ऑल्सो बी ए रीज़न। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ इस चीज़ में। इसको जो है 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसका क्या असर हुआ है। अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ए फ्यू मिनट्स लेटर गाइस, स्ट्रेंज चीज ये है कि ये जो क्रैक था ना, ये तो सही हो गया, दिस इज़ फाइन। अब ये टच करने पे बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल शीशा है, बट जो प्रॉब्लम हुई है, जो ड्रॉप यहाँ पे गिरे थे वो ड्रॉप चिपक गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और आई डोंट नो ये कैसे निकलेगा। तो देखिए, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है, और आपको मैं एक बार छू के यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो क्रैक था वो बिल्कुल जा चुका है, तो ये अभी छूने पे बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। एक बार कैमरा मैन भी चेक कर लेगा यहाँ पे, आप देख सकते हो, आप अपने हाथ से चेक करके बताओ, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है, राइट, बिल्कुल ही शीशे की तरह हो गया। तो देखो, और इसके अलावा जो गंदगी हुई है ये तो है, इसको हमें ब्लेड से हटाना पड़ेगा, बट टेक्निकली मैं बोलूँ, जितना लोगों ने कहा है कि ये चीज़ काम करती है, हाँ ये काम करती है, आप भी इसको खरीद सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसको बाय कर सकते हो सेम प्रोडक्ट को। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।